नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है और लोग इसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आजकल हम देख रहे हैं कि रसोइयों में मिट्टी के बर्तनों की संख्या बढ़ने लगी है। लेकिन इसी कड़ी में हम बाजार में देख रहे हैं कि तरह तरीके के बर्तन बन रहे हैं और वहीं एक जो नई चीज हम देख रहे हैं वो है मिट्टी का कुकर। लेकिन क्या ये हमारे लिए सेफ है? आज ये पूरी जानकारी हम लेंगे नीरज जी से। मैं आपको बता दूं कि नीरज जी कई सालों से केमिकल फ्री शुद्ध मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, जिनकी कई वीडियोस हम आपको दिखा भी चुके हैं। तो इस वीडियो में हम उनसे जानेंगे कि जो बाजार में जो मिट्टी के कुकर मिल रहे हैं, क्या उनका इस्तेमाल करना रसोई में सेफ है। तो चलिए मिलते हैं नीरज जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले, यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार जी। वैसे तो अब आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि जो नए दर्शक आज जुड़ने वाले हैं उनको आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं नीरज, मैं पेशे से बीटेक इंजीनियर था, लेकिन मैंने वो काम छोड़ के और एक लोगों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए और मैं पिछले 2.5-3 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ और अपने गांव में ही कर रहा हूँ और हमारी जो लुप्त होती कला है उसको एक बचाने का मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। नीरज जी, मैं देख रही हूँ कि आजकल, जैसे मैंने बताया, कि बाजार में तरी तरीके के मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। हाँ जी। और उसी कड़ी में जो हम आजकल देख रहे हैं वो है कुकर, प्रेशर कुकर। मिट्टी के कुकर की तो मैं पहले बाद में बात करूंगा, पहले मैं बात करता हूँ कि जो हम घरों में एल्युमिनियम स्टील का कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुकर किसी भी चीज का क्यों ना हो, कुकर का बना हुआ अगर हम खाना खाते हैं तो हमें एसिडिटी रहेगी ही रहेगी, हम कितना ही कुछ कर, और हमारे ज्वाइंट्स पेन रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उसमें गैस और जो प्रेशर है उससे खाना बनता है, ना कि कोई उसमें नेचुरल प्रोसेस है। और हमारा आयुर्वेद यही कहता है कि खाना जब भी पकाएं खुले में पकाएं, उसमें लाइट हवा भी हो, सभी चीजें हो, और कुकर में ये इनमें से एक भी चीज़ नहीं है, केवल प्रेशर है। दूसरा, अगर हम खाना उसमें पकाते हैं कुकर में, तो वो हमारे हेल्थ पे हो सकता है किसी के 2 साल में रिएक्ट करना शुरू करे, किसी के 5 साल में, तो बहुत जल्दी रिएक्शन हमारे शरीर में नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी होती है हम मनुष्य की, वो एक बार तो अगर जहर भी उसको देना शुरू करेगा उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर धीरे धीरे वो उसकी साइड इफेक्ट दिखाने लगता है। ऐसे ही कुकर का है। फिर बात आती है मिट्टी का कुकर, कि लोग मिट्टी का कुकर ये समझ के बेच रहे हैं, जो लोग बेच रहे हैं कि इसमें तो आपको प्रोटीन मिलेगा, आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, ये मिट्टी पोरस है इसके फायदे मिलेंगे, लेकिन इसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, ये एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इसमें अगर सेफ्टी की बात करते हैं तो ये बहुत ही सेफ्टी के उससे जीरो है। वैसे नॉर्मली हम कुकर लेते हैं वो भी फट जाते हैं, और ये तो फिर भी मिट्टी का है, ये तो फटने में 1 मिनट भी नहीं लगाता, अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 इसमें होता तो ये तुरंत फट जाता है। और आप ये देखते हो इसमें ऊपर ये कांच का लगा हुआ है, अगर ये कांच फट के, मिट्टी फट के कहीं हमारी आँख में नाक में जाएगा तो कितना हमें भयंकर नुकसान देगा, जीवन भर हम भरपाई नहीं कर पाएंगे अगर हमारे साथ होता है। तो मेरी लोगों से अपील है कि जितने भी लोग आप मार्केट में वीडियो देख रहे हैं कुकर लेने की सोच रहे हैं, तो आप कुकर ना लें, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। आप प्लीज़ कुकर लेने से बचें, और आप कुकर को छोड़ के शुद्ध मिट्टी के बर्तन, हांडे, भगोने, कढ़ाई, उनकी तरफ लौटें, ताकि आप एक अच्छी हेल्थ को जो अचीव कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ की जर्नी जी सकते हैं। आपने ये बड़ा अच्छा बताया कि ये प्रेशर और उस तरीके से बनाया गया, साथ ही ये ना केमिकल से बनाया गया, मुझे नहीं लग रहा कि ये हाथ से बनाया गया। हाथ से बनना पॉसिबल है नहीं, हाथ से बनना पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मान लो ये मार्केट से उन्होंने ये बनवाया कांच का, ये अगर हाथ से बनेगा तो ये हर बार अलग कैसे बनेगा, ये तो फिक्स ही बनेगा, और ये फिक्स तभी बनेगा जब वो डाई मोल्ड से बनेगा, और दूसरा ये गैस पे तभी चलेगा जब इसमें केमिकल्स होंगे, नहीं तो गैस पे चलेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज ये भी होती है ना कि जब भी हम कढ़ाई में या किसी भी मिट्टी के बर्तन में अगर खाना बनाते हैं तो वो धीरे धीरे आंच पर होना चाहिए। हाँ जी। और वे कोशिश करें खुले में पकना चाहिए, खुले में पकना, क्योंकि मिट्टी पोरस होती है, इसमें क्या होता है कि पोरस वाला तो काम खत्म ही हो गया कुकर में। ये डाई पे बना हुआ है, और सीधी सी बात है, अगर आप डाई पे बनाओगे तो आपको केमिकल डालने ही पड़ेंगे, और केमिकल भी वो डालने पड़ेंगे जो इसकी बॉन्डिंग को बढ़ाते हैं और सीमेंट में डालते हैं। तो आप देखना, अगर वे ऐसे केमिकल्स हैं, अगर हम उनमें हाथ डालते हैं, उनको यूज करते हैं, तो वो हाथों को भी काट देते हैं। अगर वो हमारे शरीर में जाएंगे, पेट में जाएंगे, तो वहाँ पे कितना गहरा नुकसान छोड़ेंगे। नीरज जी, ये तो आपने बता दिया कि ये कितना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन मैं आपके अनुभव के आधार पर पूछूं, तो क्योंकि आप इतने सालों से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो आपके पास नहीं इस तरीके की डिमांड आई थी? बहुत, काफी कॉल्स आते हैं दिन में, अगर
मैं कहूँ तो मतलब बहुत लोग ऐसा मांगते कि हमें मिट्टी का कुकर चाहिए और शुद्ध चाहिए, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, हम ना तो मिट्टी का कुकर बनाते हैं और शुद्ध आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, और मिट्टी का कुकर आप कहीं लेना भी नहीं, कि मिट्टी का कुकर आप जितने भी ये हैं मार्केट में सभी लोगों को बर्बाद करने के लिए हैं। और जो लोग बना रहे हैं, मेरी तो उनसे भी अपील है कि आप पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की हेल्थ और वेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें, आप शुद्ध मिट्टी के बर्तन बनाएं और वो लोगों को दें ताकि उनके परिवार को भी स्वास्थ्य का लाभ मिले और जो आपके पास जो पैसा आएगा वो आपके परिवार को भी बहुत अच्छा लाभ देगा। और मैंने जो शुरुआत की थी, मैंने यही सोच के की थी कि ना दिखावट पे काम करना ना मिलावट पे काम करना है, लोगों को शुद्ध बर्तन देना है और ऐसी चीज़ें जो आती हैं भले ही मिट्टी की क्यों ना हो उनको मैं खुल के बताता हूँ लोगों को कि ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, उसमें काफ़ी चाहिए हमारा नुकसान ही क्यों ना हो, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बेचना चाहता कि जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो दोस्तों ये नीरज जी ने बखूबी एक्सप्लेन किया है कि हमें दिखावट और मिलावट दोनों चीज़ों से बचकर रहना होगा, और जैसा कि उन्होंने प्रेशर कुकर के बारे में हमें बताया कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी हमारे सामने रखे कि क्यों ये अनसेफ है हम लोगों के लिए, तो हमें इसे रसोई में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।